हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलताज किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मीठा खाने का मन हो और गुलाब जामुन के लिए मन न ललचाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाना सीखते हैं भारतीय मिठाइयों में अपनी खास जगह रखने वाली मिठाई गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम फ्रेश मावा, 2 कप चीनी, 4 टीस्पून मैदा, 8 से 10 इलायची जिसका हम छिलका उतार कर महीन पीस लेंगे। एक भगोनी में हमने चीनी को डाल दिया है। उसके बाद हम गैस को ऑन करके 1.5 कप पानी डालकर पतली चाशनी बनाएंगे। और चीनी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना है, बस चिपचिपी बनाना है। अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट में मावा और मैदा मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावे और मैदे को हमें एकदम चिकना बनाना है। मावा हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। मावे में जरा भी गुठली या लम्स नहीं रहना चाहिए। मावे को न ज़्यादा सख्त और न ज़्यादा नरम रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मावा सूखा लगे तो आप हथेली में दूध लगाकर अच्छे से नरम कर लेंगे। मिश्रण हमारा तैयार है। अब हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बॉल्स में ये ध्यान रखना क्रेक जरा भी ना रहे। इस तरह से कहीं से भी क्रेक नहीं रहना चाहिए। सभी मावे से हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं किसी में भी क्रेक्स नहीं है। गैस को ऑन करके हमने एक कढ़ाई में घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। घी हमारा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब हम सभी बाल्स को घी में डालेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे और इस तरह हम हल्के हाथ से हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सिकाई कर लेंगे। गुलाब जामुन हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम गुनगुनी चाशनी में गुलाब जामुन को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह हम शेष बचे हुए गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे। सभी गुलाब जामुन को हमने फ्राई करके चाशनी में डाल दिया है। अब हम तैयार गुलाब जामुन को 2-3 घंटे तक चाशनी में रस पीने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, 3-4 घंटे हो चुके हैं। गुलाब जामुन हमारे रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इसे बनाकर अपने अनुभव प्रेमलताज किचन में जरूर शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी के सफर में साथ चलने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।